24 अप्रैल 2010 की बात है। धीरज, वैभव और मुकेश रात के 1 बजे लॉन्ग ड्राइव पर निकले। कार वैभव की थी और ज्यादा कुछ अच्छी कंडीशन में नहीं थी। तीनों रॉक म्यूजिक सुनते हुए और गाड़ी की खिड़कियां खोलकर ठंडी ठंडी हवा के मजे लेते हुए सफर कर रहे थे। ड्राइव करते करते वो शहर से काफी दूर आ गए थे। रास्ते में एक ऐसी सड़क आई जो कि काफी छोटी और पथरीली थी और दोनों तरफ घने जंगल थे। वैभव की गाड़ी उस पथरीले से रास्ते पर अचानक से खराब हो गई। अबे यार, अभी ही खराब होनी थी क्या ये कार? अबे ये गाड़ी भी वैभव की तरह ओल्ड फैशन है, खटारा। हाँ हाँ, एक तो अपनी कार कभी लाते नहीं और मेरी कार को खटारा बोल रहे हो। ऊपर से सुनसान जगह पर मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है, पता नहीं कहाँ लेकर आ गए हो। ये सब छोड़ो और सोचो कि भैया अब क्या करें इस बीच सड़क पर। क्या करते हैं मतलब? क्या सुबह देखते हैं क्या करना है? अभी गाड़ी के शीशे बंद कर ताकि कोई जानवर ना आ जाए और सो जाओ। रात के 2 बज चुके थे। धीरज और मुकेश आगे बैठे गहरी नींद में सो रहे थे, वहीं वैभव को पीछे नींद नहीं आ रही थी। अचानक उस गाड़ी की खिड़की पर खटखटाने की आवाज आने लगी। वैभव बैठा और खिड़की की तरफ देखने लगा। उसे वहां पर कोई दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वैभव को एक आवाज सुनाई दी। वैभव अचानक से चिल्ला पड़ा, धीरज मुकेश तुमने सुना? अबे यार क्यों दिमाग की दही कर रहा है, सो जा और सोने दे। थोड़ी देर बाद वैभव को वो आवाज दोबारा आती है। अवंग ने नरिया अड्डी पोटांगा, उसने मुझे बहुत मारा लेकिन अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। वैभव डरते डरते मुकेश और धीरज से बोलता है, मुकेश धीरज तुमने वो आवाज सुनी? तभी वैभव आगे जो चीज होती है उसे देखकर हक्का बक्का रह जाता है। आगे मुकेश और धीरज नहीं बल्कि उनकी जगह पर एक औरत बैठी हुई थी जिसके बाल खुले होते हैं और लगातार पीछे वैभव को देखकर मुस्कुरा रही होती है। वैभव चिल्लाते हुए गाड़ी से बाहर निकलता है कि तभी मुकेश और धीरज की नींद खुलती है और वो वैभव से कहते हैं, वैभव यार क्या कर रहा है, सोने दे ना। ओ भाई तुझे जाना है तो जा, हमें सोने दे। वैभव डरी हुई आवाज में कहता है, यार यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, जल्दी यहाँ से चलो। इतना सुनकर वैभव वापस गाड़ी में बैठ जाता है। अब जब वैभव गाड़ी में बैठा तो वो औरत इस बार उसी के बगल में बैठी हुई थी। वैभव के पैरों तले जमीन हिल चुकी थी, गाड़ी अपने आप चलने लगी थी। बगल में वो औरत शांत मुस्कुराती हुई बैठी थी। गाड़ी में मुकेश और नीरज आगे ऐसे आंखें खोले बैठे थे मानो किसी ने उन्हें सुन्न कर दिया हो। आगे जाकर गाड़ी चौधरी साहब की सुनसान बावली पर जाकर रुकी। वैभव को ये जगह जानी पहचानी लगी थी। वो औरत जो अब तक गाड़ी में बैठी हुई थी अचानक गायब होकर बावली की सीढ़ियों में बैठी नजर आई। उसने वही कहा, उसने मुझे बहुत मारा। वैभव को तभी पुरानी सारी यादें आने लगी। दरअसल 2 साल पहले वैभव इसी चौधरी की बावली में नीरज और मुकेश के साथ आया था। तब इस बावली के बगल में एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें सुषमा रहा करती थी। वो एक रईस के घर खाना बनाने का काम करती थी। रात को जब वो घर लौट रही थी तभी वैभव और उसके दोस्तों की नजर उस पर पड़ी। वैभव ने धीरज और मुकेश से कहा, क्या गजब है यार, इसको तो आज मैं सेट कर लूंगा। रात के समय अचानक सुषमा के घर का दरवाजा खटकता है। सुषमा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो राहुल गुलाब का फूल लेकर उसके सामने खड़ा होता है।
सुषमा उसे देखते ही दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है। तभी राहुल दरवाजा पकड़कर सुषमा के बाल पकड़ लेता है और उसे खींचता हुआ बावली की सीढ़ियों पर ले जाता है। मुकेश और धीरज वहां खड़े हुए सब देख रहे थे। वैभव सुषमा का बावली की सीढ़ियों पर रेप कर डालता है, जिसके बाद वो उसे मारकर उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके एक बैग में भर के गड्ढा खोदकर उधर ही छुपा लेता है। वैभव बिलकता बिलकता रोने लगता है और वो औरत सीढ़ी पर ही बैठी रहती है। जैसे ही हिम्मत जुटाकर वैभव उस औरत की तरफ बढ़ता है और उसका चेहरा देखता है तो पाता है कि ये वही सुषमा है और उसके चेहरे पर अभी भी खंजर के कई निशान होते हैं। अचानक से जिस गाड़ी में मुकेश और धीरज सुन्न होकर बैठे होते हैं वो अपने आप चलने लगती है और खाई में गिर जाती है। तभी सुषमा हंसती है और अचानक वैभव के साथ गायब हो जाती है।